How will you resolve the conflict in policies that encourage investment in growth against those against policies which are for the poor and underprivileged? पर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं. अब देखिए है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था शादीपुर डिपो में मैंने आपको SMS भेजा था कि वो कठपुतली कॉलोनी को द बुलडोजर्स वर देयर, दे वर गोइंग टू वाइप इट आउट थ्रू आउट द शादीपुर डिपो रेजिडेंस, कठपुतली कॉलोनी वुड बी फिनिश्ड एंड रियल इस्टेट वुड टेक ओवर. सो वो डेवलपमेंट कैसे हो सकता है अगर आप वहाँ के रहने वाले लोगों को उठा के फेंक दें और कहें अब आप जाओ कहीं भी और अब यहाँ पे हम XYZ कुछ, मतलब मेरे को नाम नहीं लेना चाहिए, आई नो दैट पर्टिकुलर केस, वो जिस बिल्डर को दे रहे हैं वो बिल्डर आया था, कहता है जी BJP वालों को तो सेट कर लिया, कांग्रेस वालों को भी सेट कर लिया, ये आप लोग नहीं मान रहे. ये तो ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट नहीं है जी. नहीं पर मेरा दोस्त वहाँ था और वो बुलडोजर्स के साथ काफ़ी ड्रामा कर रहा था, उनके सामने लेट किया ये वो, और उसने मुझे कहा कि आप अरविंद केजरीवाल को फ़ोन करिए, बताइए कि ये हो रहा है. और उसने मैंने बोला, उसने मुझे ये बताया कि दो नेता आए थे आम आदमी के, वो भाषण देके चले गए. अब ये जो आप पैशन और कमिटमेंट आप लाते हो, हाउ इज़ इट दैट इट इज़ नॉट परक्यूलेटेड डाउन टू द रेस्ट ऑफ योर पार्टी वर्कर्स? नहीं, ये गलत बात है. मैं ये क्लियर कर दूं, मैं बहुत छोटा आदमी हूं और मेरे को तो अब तो आप छोटे आदमी नहीं रहे. नहीं, मैं बहुत छोटा आदमी हूं. नहीं, मेरी कोई पावर नहीं है, मैं बहुत छोटा और बहुत मेरी कोई औकात नहीं है. मैं आपको ये बता दूं, जो वॉलंटियर्स हमारे साथ लगे हुए हैं, द फेसलेस पीपल, दैट इज़ आर स्ट्रेंथ. अरविंद केजरीवाल को तो शोहरत भी मिल गई, नाम भी मिल गया, लेकिन ऐसे बहुत सारे अभी ऑडियंस में भी बैठे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं जिन लोगों को कुछ नहीं मिला जिंदगी में, अपनी नौकरी छोड़ के लगे हुए हैं, अपनी दुकान बंद करके लगे हुए हैं, उनको कुछ नहीं मिला. वो हमारी स्ट्रेंथ है और उनके अंदर जितना जज्बा है उस जज्बे को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते. वो सारे कठपुतली कॉलोनी में मौजूद थे.